हल्द्वानी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही खेतों में खड़ी गेहूं और उद्यान में आम लीची की फसल बर्बाद हो गई है। पिछले एक हफ्ते से हो रही बेमौसम बारिश से किसान परेशान हो रहे हैं। रात बारिश से और ओले पड़ने से कटी हुई फसल तथा जो खड़ी फसलें थी बुरी तरह से नष्ट हो गई हैं, और जिसका व्यवसाय ही कृषि था और उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। और हम तो यही चाहते हैं कि इस फसल का जो मुआवजा बनता है, अधिक से अधिक किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। कितनी फसल का नुकसान हो रहा है, कुछ आकलन लग पाया? फसल तो बुरी तरह से नष्ट हो गई है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को जांचने के लिए कृषि अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। कुछ घंटे पहले जो है यहाँ हल्की बारिश पूरे जनपद में लगभग हुई है, और बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि गेहूं की फसल हमारी लगभग तैयार है तो उसमें जैसे जो भारी गेहूं होती है फसल जहाँ अच्छी होती है वो उसके गिरने की संभावना रहती है, और इसके अलावा जो है अन्य कोई यदि ओलावृष्टि की भी कहीं कहीं सूचनाएं मिली कि हल्का ओला भी कहीं ना कहीं पड़ा है। इसके नुकसान का जायज़ा लेने के लिए जो हमारा कृषि विभाग और राजस्व विभाग जो मिल के इसका आकलन करते हैं, दोनों को निर्देशित कर दिया गया यदि कहीं किसी इस तरह का नुकसान है तो उसकी भी सूचना वो तत्काल दें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि किसानों को उनकी नुकसान हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। हल्द्वानी से ताराचंद जोशी की रिपोर्ट।